गहलोत ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। किसी दिन बात करें, हमारे पक्ष में 15% था, 15% था, और अब पता नहीं ये इनका कितना एक मामला मालूम नहीं है। रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है उसमें 15% था। एक तो रिफाइनरी का जो कल एमओयू किया और जब घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी ने, वसुंधरा जी ने, तब मैंने कहा था कि ये जनता के दबाव के आगे और उनका आक्रोश देखते हुए उनको आखिर में झुकना पड़ा, और वरना पता नहीं रिफाइनरी को लेके क्या करते, क्योंकि मेट्रो का पता नहीं, प्रौढ़ का पता नहीं आदिवासियों में, परवन नदी का बार बार घोषणा हो रही है, नमो को छत्ती या भीलवाड़ा की उसका पता नहीं, पर रिफाइनरी का इतना प्रेशर बन गया इनके ऊपर पूरे प्रदेश के अंदर, आखिरकार इनको झुकना पड़ा। और ये बात वसुंधरा जी स्वीकार करनी चाहिए, 4 साल का डिले हुआ है, पता नहीं अब रिफाइनरी कब बनेगी। जो 4 साल का डिले हुआ है उसके कारण जो नुकसान हुआ है, रोजगार का नुकसान हुआ है, एंथली यूनिट्स लगती है उसका नुकसान हुआ है, रेवेन्यू का नुकसान हुआ है, क्योंकि पेट्रोकेमिकल साथ में उसके हैं और पेट्रोकेमिकल आधारित इतने उद्योग लगते थे कोई कल्पना नहीं कर सकता, उन सबसे राजस्थान की जनता को वंचित रख दिया गया, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं कि 4 साल की जो नुकसान हुआ राज्य को